बजाज चेतक इलेक्ट्रिक, कैसा है बजाज का चेतक इलेक्ट्रिक स्कूटर? फीचर्स, कीमत से लेकर जाने सब कुछ। बजाज ऑटो की इलेक्ट्रिक इकाई चेतक की ओर से इलेक्ट्रिक स्कूटर को ऑफर किया जाता है। कंपनी का ये स्कूटर कितना दमदार है और इसमें क्या फीचर्स मिलते हैं, इसकी जानकारी हम आपको इस खबर में दे रहे हैं। भारत की प्रमुख दो पहिया वाहन निर्माता बजाज ऑटो की इलेक्ट्रिक इकाई चेतक की ओर से इलेक्ट्रिक स्कूटर के तौर पर चेतक को ऑफर किया जाता है। हम इस खबर में आपको बता रहे हैं कि कंपनी का इकलौता इलेक्ट्रिक स्कूटर किन खूबियों के साथ आता है, कितनी क्षमता की मोटर और बैटरी इसमें दी जाती है और जिस कीमत पर इसे खरीदा जा सकता है, क्या उतनी कीमत में चेतक इलेक्ट्रिक स्कूटर को खरीदना फायदे का सौदा साबित होगा। पहली नज़र में स्कूटर को देखने पर आपको बाजार में मौजूद अन्य इलेक्ट्रिक स्कूटर से थोड़ा अलग लगेगा। अगर मौजूदा स्कूटर्स में बात की जाए तो ये यामाहा के फैसिनो से मिलता जुलता है। कंपनी ने पुराने दौर के आईसी इंजन वाले बजाज चेतक की तरह ही इसमें भी राउंड लाइट्स दी हैं जो देखने में काफी सुंदर लगती है। स्कूटर की फिट एंड फिनिश भी अन्य इलेक्ट्रिक स्कूटर के मुकाबले काफी अच्छी और प्रीमियम लगती है। चेतक इलेक्ट्रिक की ओर से हमें इस स्कूटर को टेस्ट करने का मौका मिला। कंपनी ने स्कूटर को बेहतरीन तरीके से डिजाइन करने के साथ ही पावरफुल मोटर दी है जिससे इसे 7.5 bhp और 10.8 न्यूटन मीटर का टॉर्क मिलता है। स्कूटर में मिलने वाली बैटरी को चार्ज करने में 3.5 घंटे से लेकर 4 घंटे तक का समय लगता है। इसके बाद कंपनी के मुताबिक ये 90 किलोमीटर की रेंज देता है, लेकिन जब हमने इसे चलाया तो ये करीब 80 से 85 किलोमीटर के बीच की रेंज दे रहा था। बैटरी की रेंज बढ़ाने के लिए इसमें रीजनरेटिव तकनीक को भी दिया गया है जिससे ट्रैफिक या अन्य ड्राइविंग कंडीशंस में स्कूटर चलाते समय भी बैटरी चार्ज होती है जिससे ड्राइविंग रेंज बढ़ती है। कंपनी का कहना है कि स्कूटर की बैटरी को फुल चार्ज करने में करीब 3 यूनिट के आसपास बिजली खर्च होती है। अगर कैलकुलेशन किया जाए तो 3 यूनिट बिजली में इसे 80 किलोमीटर का सफर किया जा सकता है और अगर एक यूनिट बिजली का दाम 6 से 7 रुपये के बीच भी रखा जाए तो इसे सिर्फ 20 रुपये में चार्ज किया जा सकता है। बजाज के इस इलेक्ट्रिक स्कूटर से 20 रुपये में 80 किलोमीटर का सफर किया जा सकता है। इस कारण ये पेट्रोल स्कूटर और बाइक के मुकाबले चलाने में काफी सस्ता है। स्कूटर में राउंड स्क्रीन दी गई है जिसमें स्पीड, स्टेटस ऑफ चार्जिंग, ड्राइविंग मोड की जानकारी सहित सभी जानकारियां आप देख सकते हैं। हैंडल से नीचे की ओर स्कूटर में एक बॉक्स दिया गया है जिसमें थोड़ा सामान रखने के साथ ही टूल किट, फर्स्ट एड किट और सफर के दौरान अपने फोन या अन्य गैजेट्स को चार्ज करने के लिए USB पोर्ट दिया गया है। सीट को अच्छे से डिजाइन किया गया है जिससे सफर के दौरान परेशानी नहीं होती। स्कूटर में बूट स्पेस थोड़ा कम लगता है जिसे बेहतर किया जा सकता है। खास बात यह है कि बूट स्पेस में एक छोटी लाइट दी गई है जिससे अंधेरे के समय थोड़ी लाइट मिलने से सहूलियत होती है। चेतक इलेक्ट्रिक के बूट स्पेस को उपयोग करने के लिए हैंडल में बटन दिया गया है जिससे इसे आसानी से खोला जा सकता है। बैटरी चार्ज करने के लिए भी सीट के अंदर ही चार्जिंग पोर्ट दिया गया है। ऐसे में बैटरी चार्ज करने के लिए आपको सीट खोलकर चार्ज करना होगा। सुरक्षा के लिहाज से यह एक बेहतर विकल्प है। बाकी स्कूटर्स की तरह इसमें पीछे बैठने वाले व्यक्ति को पकड़ने के लिए ग्रैब हैंडल्स को अच्छे से डिजाइन किया गया है। इसके अलावा स्कूटर को स्लोप पर खड़ा किया जाता है तो ब्रेक लगाने की जरूरत पड़ती है, लेकिन इसमें एक बटन दिया जाता है जिसे रियर ब्रेक लीवर पर दिया गया है। इसके जरिए ब्रेक लगाकर आप बटन दबा दें तो स्कूटर वहीं लॉक हो जाता है, यह आगे या पीछे नहीं होता और अगर रियर ब्रेक लीवर को हल्का दबाया जाए तो यह आसानी से अनलॉक हो जाता है। स्कूटर को स्टार्ट करने के लिए रिमोट को जेब में रखना होता है। इसके बाद हमने जैसे ही स्कूटर को स्टार्ट किया तो सबसे अच्छी बात लगी कि यह आईसी इंजन वाले स्कूटर की तरह शोर नहीं करता। बिल्कुल शांत स्कूटर है और चलाने पर भी कोई आवाज नहीं आती। स्कूटर का पिकअप भी काफी अच्छा लगा और आसानी से यह जरूरी स्पीड हासिल कर लेता है। कंपनी के मुताबिक इसकी टॉप स्पीड 69 किलोमीटर प्रति घंटा है, लेकिन हमने ट्रैफिक नियमों का पालन करते हुए इसे टेस्ट स्पीड लिमिट में ही चलाकर देखा। ये स्कूटर आसानी से 60 किलोमीटर की स्पीड तक पहुंच जाता है। इसमें इको और स्पोर्ट मोड के विकल्प भी दिए जाते हैं।
इको मोड में भी स्कूटर आसानी से 60 से 65 किलोमीटर की स्पीड में चलाया जा सकता है। वहीं अगर आप इसे स्पोर्ट मोड में चलाते हैं तो आपको इको और स्पोर्ट्स मोड का फर्क आसानी से पता चल जाता है, लेकिन स्पोर्ट्स मोड में इसकी रेंज कम हो सकती है। चलाने के दौरान इसकी हैंडलिंग और ब्रेकिंग काफी अच्छी है। स्पीड में टर्न करने पर भी यह ड्राइवर को कॉन्फिडेंस देता है। बाजार में मौजूद अन्य इलेक्ट्रिक स्कूटर के मुकाबले इसमें टच स्क्रीन नहीं मिलती है, लेकिन इसमें दी गई स्क्रीन इसे अलग भी बनाती है। आगे के पहियों में डिस्क ब्रेक दिए जाते हैं और पीछे की ओर ड्रम ब्रेक मिलते हैं। कॉम्बी ब्रेकिंग के कारण आप इसे काफी अच्छे से रोक पाते हैं, जिससे ड्राइवर को कॉन्फिडेंस मिलता है। दिन के मुकाबले रात के समय सड़क पर आपको हेडलाइट से काफी अच्छी रोशनी मिलती है। वहीं पीछे की ओर भी दोनों साइड टेल लाइट होने से आपकी मौजूदगी की जानकारी पीछे से आने वाले वाहनों को अच्छे से मिल जाती है। बाजार में कई प्रीमियम सेगमेंट के इलेक्ट्रिक स्कूटर मौजूद हैं, जिनमें ओला, एथर, टीवीएस और हीरो वेदा जैसे ब्रांड शामिल हैं। लेकिन इसकी मेटल बॉडी अन्य स्कूटर के मुकाबले इसे ज्यादा बेहतर स्कूटर बनाती है। कंपनी की ओर से फिलहाल इसका एक ही वेरिएंट बाजार में मिलता है। इसमें हेजल नट, इंडिगो मेटेलिक, वेल्यूटो रोसो और ब्रुकलिन ब्लैक जैसे रंगों का ऑप्शन मिलता है। दिल्ली में चेतक इलेक्ट्रिक की एक्स शोरूम कीमत 1.52 लाख रुपये है। अन्य शहरों में इसकी कीमत में बदलाव हो सकता है। वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर करें।